So, hello my dear students. In the previous class, we have successfully completed the chapter Wave Optics. आउ सही regarding हमें किसी example भी कर थलो. आउ ताविसरे assignment भी complete ही गई थी. तो आज ही हमें discussion करिए और नया chapter that is your dual nature of radiation and matter. तले इटा भी सही भाभी ने आज सही optics को base करी क्यों अच्छी. Optics रहा हमें कौन पढ़ते हैं? The properties of light, light विषय पढ़ते थलो हमें. तो एठी भी से लाइट विषय ही पढ़िबा. तो एठी आ गोटे हम डिस्टिंक्शन करिबा जंती कि डुअल नेचर लिखा है जना यानी जो डुअल माने हो छि डबल. तले एठी में कंफर्म होबा जे लाइट टा गोटे दुई मुंडिया सापो बोली जंती. तुम कहते दुई मुंडिया थाई बोली जे माने जंती दुई मुंडिया मनुष्य बोली कहते कि तुम्हें जे आगरे ऊपर भल देखियो तो भीतर किंतु बदमाश थिवो सेई टाइप रो लाइट टा गोटे सेई बोला जंती कि से दुईटा कैरेक्टर शो करे. प्रथम जानथिले लाइटटा होची जे न्यूटन्स देथिले फर्स्ट कॉर्पस्कुलर थ्योरी जानथिले कोनो लाइटटा गुटे फॉर्म ऑफ एनर्जी जोडे कॉर्पस्कुल साकारे आस्ची. तापर लेटर तेकु हाइजेंस आस्तिले से तांकर वेव थ्योरी देकी प्रोपोजिटिव प्रूव करथिले लाइटटा होची गुटे वेव नेचर शो करची बोले. बट नेक्स्ट जते आसीले जना साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक से तांकर क्वांटम थ्योरी देले आ सेथिले से कहिथिले लाइटटा गुटे आसुची जतियो फॉर्म ऑफ एनर्जी से गोटे पैकेट फॉर्म रे आसुची सेटा गोटे वाइब्रेशन एनर्जी फॉर्म रे आसुची आ से जो पैकेट फॉर्म रे आसुची सेटा से ना देथले गोटे फोटोन बोले. आ सेई थिरे से जो तांकर से थ्योरी डा से कोन कला ना बोथ वेव थ्योरी को भी सटिस्फाई कला आउ कोन तोमरो पार्टिकल थ्योरी को भी बा लाइट रे पार्टिकल नेचर को भी सटिस्फाई कला. तो सेइठु आज पर्यंत आमे मानि आसु जे लाइट टा दीटा कैरेक्टर शो करछु बोले. देखा डिटेल्स केमती लिखा है कौन ताले स्टडी कर सर. तो लेट्स स्टार्ट टुडेज हेडिंग इज योर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. ताले फर्स्ट देखा डुअल नेचर रेडिएशन कौन तार थ्योरी डा हिस्ट्री कौन कांसेप्ट तार रही छे ला फर्स्ट. ताले वेरियस थ्योरीज हैव बीन पुट फॉरवर्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ लाइट. लाइट रो नेचर को बेस करी कि बहुत सारा थ्योरी थे जेंते हम जानथिलु न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी उठे हाइजेंस वेव थ्योरी उठे ए सब थिला तमरो होची थ्योरी जोड़ा कि लाइट रो प्रॉपर्टी को बेस करके लाइट रो नेचर को बेस करके सब साइंटिस्ट माने देथिले. जेंति तुम फकल थिले जने से भी जने देथिले से कोन कहिथिले से लेसर मीडियम रे लाइट ता अधिक ट्रैवल करिवो एज कंपेयर डेंसर मीडियम. तले ए सब साइंटिस्ट सब तांकर थ्योरी सब देथिले. तले ऑल थ्योरीज हैव वन थिंग कॉमन दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तले जेतकी भी साइंटिस्ट देथिले तुमरो थ्योरी सब थिरे से माने डिस्क्राइब करथिले जे ना लाइट ता जहा भी हो पार्टिकल नेचर सो करू वेव नेचर सो करू जहा भी नेचर सो करू बट सेटा उडा होची कोन एनर्जी रो फॉर्म डा हैला. से एनर्जी टा से फॉर्म रे आसची से एनर्जी को फॉर्म रे आसची पार्टिकल फॉर्म रे आसची कि वेव फॉर्म रे आसची सेटा हम कहि परिबानी माने साइंटिस्ट ता तो देइले जे न्यूटन कहिथले से उडा कॉर्पस्कुलर आकार आसची वे हाइजेन कहिथले वेव आकार आसची बट जहा भी हो से उटे एनर्जी डा लाइट टा उटे हैला फॉर्म ऑफ एनर्जी. एटा किंतु थय थिला बाकी जहा हो किंतु एनर्जी रो फॉर्म बोली सेटा उडा कन्फर्म थिला हैला. तापर द फेनोमेनन लाइक इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन डिस्पर्सन पोलराइजेशन एगुडा सब लाइट रो प्रॉपर्टी गुडा एगुडा कोन हला ना कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर. जमे आंलो कोन हाइजेंस तकरो थ्योरी अनुसार कोन कोन इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन डिस्पर्सन प्रूव को देथिले बट पोलराइजेशन डा प्रूव करि पर नथिले ताकू लेटर ऑन प्रूव करा हिथिला. जहा भी हो सेटा त से वेव नेचर जाउची ना. तो वेव थ्योरी अनुसार ए सब प्रॉपर्टी गुडा लाइट रो प्रूव हे जितला सटिस्फाई होतला. सो इट इज कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर. ऑन द अदर हैंड द फेनोमेनन लाइक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉम्पटन्स इफेक्ट रोमन्स इफेक्ट एगुडा सब अच्छी तुम हायर क्लास गले पढ़ो बट ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखा है डिस्कसन करवा डुअल नेचर चैप्टर में डिस्कसन करवा. नेक्स्ट तो आम वेव नेचर जानलु लाइट रो डिफ्रैक्शन हो इंटरफेरेंस हो पोलराइजेशन हो डिस्पर्सन हो ये प्रॉपर्टी सब वेव नेचर अनुसार सैटिस्फाई हो गला. बट किसी प्रॉपर्टी रहा जमीक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉम्पटन इफेक्ट रोमांस इफेक्ट एगुड़ा से वेव नेचर शो हो पारा ना. बट लाइट ए सब प्रॉपर्टी शो करुची माने डेफिनेटली आ गोटे किसी नेचर से शो करुची. मो कहिया कथा जदि लाइटटा एक्स प्रॉपर्टी भी देखाउची वाई प्रॉपर्टी भी देखाउची
बट गोटे कंडीशन अनुसार हमें एक्स प्रॉपर्टी टा सॉल्व कर दे पाले बट लाइट तो वाई टा भी देखोजी ना तो वाई टा देखोजी माने डेफिनेटली से आउ किछि नेचर शो करूची तो सही थिरु कौन है ला ना डिडक्ट है ला तो जो साइंटिस्ट थिले तो इट इज ही कुड नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ताले जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वांटम इफेक्ट रोमांस इफेक्ट इट इज ही कुड नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ताले सो दिस फेनोमेनन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नेचर ऑफ लाइट ताले एगुडा केमती सो होला एक्स्ट्रा धर सपोज सो होइगला लाइट रो वेव नेचर देकी बट ए वाई नेचर टा केमती सो होला ना लाइट रो क्वांटम नेचर बा ताको कह जाय पार्टिकल नेचर देकी ताले लाइट बोथ आर देखो दुइटा सारा देखो छी एक्स भी देखो छी वाई देखो छी एक्स्ट्रा सो सटिस्फाई होइगला तोर वेव नेचर द्वारा वाई सटिस्फाई होइगला तोर पार्टिकल नेचर द्वारा ताले दिस शोज दैट लाइट रेडिएशन हैज डुअल नेचर ताले एटो हमें कंफर्म लो कोनो ना लाइट दुइटा नेचर शो करूची वेव नेचर भी आउ पार्टिकल नेचर भी ताले समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक ए वेव एंड समटाइम्स इट इज एज पार्टिकल क्लियर तापर कोन होला ना मैक्स प्लैंक गिव ए थ्योरी मैक्स प्लैंक गिव ए थ्योरी ऑफ लाइट इन व्हिच ही आल्सो अज्यूम दैट टू बी ए फॉर्म ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी ताले सही थे मैक्स प्लैंक गुटे थ्योरी दे थिले सेथिरे से भी कोन कंसीडर करथिले ना लाइट ता होची गुटे फॉर्म ऑफ एनर्जी बेटा हमें अगर कंफर्म हिचू जे सब साइंटिस्ट माने कहि जंती माने सेटा मानते बाध्य हमें जे कोन लाइट ता गुटे फॉर्म ऑफ एनर्जी बोली ताले कोन हला आ से कहले जदियो फॉर्म ऑफ एनर्जी बट एटा कोन जंती तोहर हाइजेंस थ्योरी कोन कहथिले एटा कंटीन्यूअस डिस्टरबेंस रे आसुची कंटिन्यूअस डिस्टरबेंस रे आसछु जे तोहर हाइजेन कहथिले बट प्लैंक कोन कहले ये कंटीन्यूअस डिस्टरबेंस रे न आसे कि पैकेट पैकेट आकार रे आसुची आ सेटा से कहथिले कोन वाइब्रेशनल एनर्जी बोली टू बी फॉर्म ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी एंड इट इज एमिटेड इन पैकेट फॉर्म ताको कोन कह जाय क्वांटा बा तार नाम जानिछु भला परे कोन ताको फोटोन बोली कह जाय से पैकेट गुडा को हला तले दिस थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट तले ई जो मैक्स प्लैंक जो दे देले ताको कह जाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोली कह जाय हला तले एई जो से थ्योरी देले एटा कोन करना ना एई थ्योरीटा तुम्हारो हाइजेंस थ्योरी को भी सटिस्फाई कला आउ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी शो कला ता माने कोन हाइजेंस थ्योरी माने लाइट रो वेव प्रॉपर्टी को भी शो कला से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट माने लाइट रो पार्टिकल नेचर को भी से शो कला हला एटा कहला प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ताले अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट कुड बिहेव लाइक वेव मोशन एज वेल एज सॉलिड पार्टिकल्स थस लाइट वाज पोस्टुलेटेड टू पजेस ए डुअल नेचर एथी पई सब कोन कहा गला जे लाइट टा डुअल नेचर सो करूची बोली क्लियर तापर देखिबा जे फोटोन कथा कहिले प्लैंक्स प्लैंक्स जो क्वांटम थ्योरी अनुसार देले फोटोन ना डाउट इंट्रोड्यूस करिले तले से फोटोन थ्योरी अनुसार कोन कंडीशन सब रहिला देखिबा तले कोन सब कंडीशन रहिला देखिबा तले कंडीशन कोन रहिला ना फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट फर्स्ट कंडीशन कौन रहिला ना लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स एनर्जी पैकेट नेम्ड फोटोन ताले कौन कहले लाइट टा जो सोर्स रो गुटे आस्थर सपोर्ट सोर्स एटा लाइट टा आस्ती केमति आस्ती ना पैकेट 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 है कि आज जेने मु तुमको कहिथिली जे बजेथिली जदी कुरकुरे वाला लेज पैकेट गुडा जेंते माळो है कि थाय से भलिया सब आसी एटा लाइट गुडा कोन देखाउ छु वे भलिया देखा जाउनी कि हला ताले एटा कोन छ पैकेट पैकेट आकार आस्ती आ से गुडा पैकेट गुडा को सब कोन ना दिया हला ना एगुडा सब ना दिया हला फोटोन एगुडा को ना दिया हला कोन फोटोन बोली कहला हला एगुडा ना दिया हला फोटोन ताले कोन गला नेक्स्ट पॉइंट ना फोटोन ऑलवेज मूव्स विथ द स्पीड ऑफ लाइट ताले ए फोटोन डा कोन हला ना ऑलवेज मूव्स विथ द स्पीड ऑफ लाइट टिक्के हम कॉमन सेंस यूज करिवा अरे हमें कहूँ लाइट गोटे फॉर्म ऑफ एनर्जी से पैकेट आकार आदि जानचु आम लाइटा हूँ तार वेलोसिटा 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम ऑब्वियसली फोटोन वेलोसिटी से नथिबो कि कह अर्थ ताले फोटोन वेलोसिटा भी फोटोनटा भी ट्राभेल करते वेलोसिटी रे ना विथ लाइट वेलोसिटी अरे आम पूरा कहूँ लाइटा हूँ से पैकेट आकार लाइट वेलोसिटी जब 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड हुए तो ऑब्वियसली फोटोन स्पीडटा भी कौन हम से हम तो कहगला कौन ना फोटोन ऑलवेज मूव्स विथ द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम क्लियर
तापर कौन कहला नेक्स्ट पॉइंट ना एनर्जी ऑफ फोटॉन्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ताले एनर्जी देखो हमें केमती शो करि परबा हमें जानि छु फार्मूला लाइट रो फार्मूला एनर्जी कोन थिला उटा थिला अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशंस कोन ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर आउ कोन थिला ना ई इक्वल टू एच न्यू भी हमें लेखतलु हला ताले हमें कोन लेखिलु एठी ई इक्वल टू एच न्यू ताले एच न्यू टा कोन ना ई टा होउछि तमरो एनर्जी न्यू टा होउछि तमरो फ्रीक्वेंसी आउ एच टा कोन प्लैंक्स कांस्टेंट जेहेतु प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इंट्रोड्यूस करैथिले प्लैंक्स ताको नाम सता दिहाला कोन प्लैंक्स कांस्टेंट साइड रे लिखि दिजि तार वैल्यू केते ना 6.62 * 10 टू द पावर -30 पर जूल पर सेकंड हला तले इटा हला तमरो प्लैंक्स कांस्टेंट रो वैल्यू जेहेतु कांस्टेंट तले कांस्टेंट रो वैल्यू आसीबो तले से वैल्यू टा केते हला 6.62 * 10 टू द पावर -30 पर जूल पर सेकंड ताले ये गला तीनटा पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट कोन कहूछि ना वी अज्यूम दैट रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो तापर कंसीडर करा गला कोन ई जो वेव पैकेट टा आछि फोटोन उडा होछि मासलेस क्वांटिटी आ जदि मासलेस क्वांटिटी होबो तल तर मोमेंटम जीरो हि जीवो बट से तो मूव करूछि आसुछि माने मूव करिकि आसुछि माने मोमेंटम तो जीरो होबो नि काहे कि हम जानि छि मोमेंटम रो फार्मूला कोन पी इक्वल टू एम वी से मूव करके आसुचि माने तार मोमेंटम रहिचि तले मोमेंटम रहिचि माने यदि मासलेस हैला तले मासलेस माने मास तो जीरो हि जो माने तो तुमर पीटा भी जीरो हि जो तले एटा हैला कि हैला नि तले मासलेस केतेले कह होचि एटा हाइपोथेटिकल नि आइचि जे रेस्ट मास माने कोन सपोज गुटे बॉडीटा मूव माने रेस्ट पोजीशन ने अछि मूव करि आरंभ करि सपोज मु कहि गुटे पेनटा रखिचि इठी पेंट जे अच्छी तार मास ना रेस्ट मास जत मूव कर दे से डाइवर्टर रिलेटिव मास हला तो सही केस रे तार मास को कंसीडर कराई छी जे ना एटा रेस्ट रे अच्छी माने तार मास को हम धरि नबा जीरो अच्छी बोली बट तार रिलेटिव मास ता उटा वैल्यू अच्छी नले कोन हि जीवो मोमेंटम जीरो हि जीवो वेलोसिटी जीरो हि जीवो सब जीरो हि जीवो जेडा कि इम्पॉसिबल हे गेला तो सेइ छै हमें कंसीडर करलो कोन तार रेस्ट मास ता जीरो बोली आ सेटा को तुमरो नॉर्मली कहि दिआबे कोन मासलेस क्वांटिटी क्लियर एटा होला थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट गला तापर कोन कहला फोटॉन्स आर न्यूट्रल इन नेचर माने से माने मैग्नेटिक फील्ड हो बा इलेक्ट्रिक फील्ड हो तापर कोनोसी इफेक्ट पड़िबो नाही हला एटा कोन हला ना न्यूट्रल रहला नेचर रे जे नॉर्मल थिंग लाइट जो आछि तापर किछि इलेक्ट्रिक फील्ड पका मैग्नेटिक फील्ड पका किछि इफेक्ट पड़िबो नाही हला एटा कहला न्यूट्रल इन नेचर एपाक नै कि सपाक नै कोनोसी पार्टी को से जीवो नै ना कोनोसी बीजेडी को बीजेपी को कांग्रेस हो जहां भी हो कोनोसी पार्टी को से जीवन से स्वाधीन भाव रही होला तले ईच फोटोन हैज अ डेफिनेट एनर्जी एंड डेफिनेट मोमेंटम तले प्रत्येक फोटोन रो कोन रहला गोटे डेफिनेट एनर्जी रहला आ डेफिनेट मोमेंटम रहला हला तले सेडा जो मोमेंटम रहला त मोमेंटम वैल्यू हम कैलकुलेशन करि परबा केमती ना p इक्वल टू mc एडी सी कहीं कि नहीं छिना वेलोसिटी ऑफ लाइट को हमें इन वैक्यूम रे सी बोली नहीं था डिनोट करी था तले पी रो फार्मूला पी इक्वल टू एम वी तो वी जगह हम कोन कंसीडर करलु सी कहीं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम रे हमें सी बोली नहीं था अगेन पी इक्वल टू एच न्यू बाय सी स्क्वायर देखो इट लिख दी साइड रे केमती हे छि कहीं कि ई इक्वल टू होला एम सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन ई इक्वल टू अगेन एच न्यू तले एच न्यू इक्वल टू कोन होबो एम सी स्क्वायर हो पार कहीं जी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा राइट हैंड साइड कौन हम इक्वल हम अगेन एम इक्वल टू कौन लिखिपर सीटा सी डिवाइड हो गला ये कौन कल आम एम जगह एच न्यू बाय सी स्क्वायर पकईदेलु तो गोटे सी कैनसल होगा एच न्यू बाय सी रहा अगेन एच न्यू रैल्यू कौन इ बाय सी लिखिपर बाू रैल्यू कौन सी बाय लामडा न्यू रैल्यू कौन सी बाय लामडा तो ये सी बाय लामडा पकड़े गोटे सी कैनसल हो तल रही खाली लामडा तो पी रैल्यूटा कौन आसला h by lambda हला एटा हला तुमरो मोमेंटम रो एक्सप्रेशन तापर कोन रहला ना व्हेन फोटोन कोलाइड्स विथ ए मटेरियल पार्टिकल देन टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट जदि फोटोन उठे आसुची कोनोसी मटेरियल ले बाड़े ही जाए माने कोलिजन हि जीवो कोलिजन हला माने कोन हला जदि वो कोलिजन हला तथापि तार जतकि मोमेंटम थियो टोटल मोमेंटम माने आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन गुड़ा कौन रही सामान रे कंजर्व हो मैंने आम कहीपर ते जो कोलिजन टा है कौन हो इलास्टिक कोलिजन तुमको पढ़े थी मुझ फास्ट इयर में भी कौन था
इलास्टिक कोलिजन को आ जाए इलास्टिक और नॉन इलास्टिक कोलिजन से केस रे कौन हुए आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन कौन ही थाए समान थाए वैल्यू मोमेंटम टा कंजर्व ही जाए हैला तापर कौन हला द मोमेंटम ऑफ सॉरी द नंबर ऑफ फोटॉन्स आर इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑब्वियसली यदि हमें लाइट रे इंटेंसिटी अधिका देखतबा ता माने कौन हितबो फोटॉन संख्या भी अधिका थिबो यदि इंटेंसिटी टा अधिका अछि ता माने कौन हो फोटॉन संख्या भी अधिका थिबो बट द एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन डज नॉट चेंज जेंति कि मु कहिबी गुटे पैकेट नै आइली पैकेट रे सेई कुरकुरे पैकेट पूरा गुटे पेटी रे भर्ती हिगी अछि तुम्हें कहल जिते बड़ पेटी आनबो सेते अधिका कुरकुरे पैकेट रहिबो ठीक अछि जिते बड़ पेटी आनलो सेते अधिका कुरकुरे पैकेट रहिबो रहिला ठीक अछि बट जिते बड़ पेटी आनले भी कुरकुरे अछि से कुरकुरेटा चेंज हो जइबो कि कुरकुरेटा लेज हो जइबो कि सेमति तो हबनी ना जिते बड़ पेटी आनले से कुरकुरे संख्या अधिका रहिबो जिते बड़ी बड़ी चलिबो बट तार नेचरटा एनर्जी रो जो बिहेवियर सेटा चेंज हबनी सेटा कह गला बट द एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन डज नॉट चेंज पता कंपनी टा कोन हो चेंज हो बोली हैला तमे अमूल टाणु छ 5 टंका आनले जति बडो 100 टंका आनले ताटू बडो हबो ठीक अछि बडो हैला सेठी अमूल संख्या अधिक हैला बट से अमूल कंपनी टा चेंज हे गला कि सेटा कंपनी चेंज हैला नै हैला एटा हैला कंपेरिजन फोटॉन्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तले एटा फास्ट टू कइसलनी मो फोटॉन टा कोन हैला तोहर इलेक्ट्रिक फील्ड हो बा मैग्नेटिक फील्ड कौन से डिफ्लेक्शन हम ना डिफ्लेक्शन हमनी मानते से कौन रही से कौन से आड़ को ढलब ना ना एपाक जीव ना से पाक जीव ताले मझे रहा मैंने कौन है से न्यूट्रल हो रहा नट टू हो रहा है से कौन से आड़ को जीवन तापर देखा कौन ये तुम हूँ फोटॉन थ्योरी तापर देखा एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ताले इलेक्ट्रॉन केमती एमिशन हुए बुझला देखा तापर इलेक्ट्रॉन केमती एमिशन हुए ताने इन मेटल्स ताले देखिवा इन मेटल्स द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर सेल ऑफ द एटम आर लूजली बाउंड ताले बहुत गुडा मेटल अछि से तर आउटर मोस्ट ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन गुडा कोन थांति लूजली बाउंड हम जानछु कोन एटम रे मझरे न्यूक्लियस थाय पॉजिटिव चार्ज थाय आ साइड रे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गुडा कोन कथा रिवॉल्व कर थांति ताले आउटर मोस्ट जडा ऑर्बिट थिवो हम जानछु इलेक्ट्रॉन गुडा तर डेफिनेट ऑर्बिट रे बुलंती हला तले डेफिनेट ऑर्बिट रे बुलंती आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट रे थिबो जडा को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोली तुम्हें कहो सेडा कोन थांती लूजली बॉन्ड हे थांती माने कोन ए या पॉजिटिव चार्ज रो अट्रैक्शन फोर्स ता या ऊपर एते आउ नथाय माने धरो ए सेंटर रे जे अछि पॉजिटिव चार्ज ता से ता पाखरे जे अछि इलेक्ट्रॉन ताकु जेति जो टाणीबो दुरिया रे जे एति इलेक्ट्रॉन ता अछि ताकु सेटे कम फोर्स रे टाणीबो ता ऊपर इफेक्ट तार कम रहिबो हैला तो कम रहिबो माने कोन हबो याकु जदी आमे टिके तेजे देबा तेज दबा मैंने एक्साइटेड सर्कल जब नहीं आसवा तो सी कौन हम रिमूव हो पलैस ये जो रिमूव हो पलैसला जो प्रेसर अट्रैक्शन फोर्स टा कम थी आम कहू कौन फ्री इलेक्ट्रॉन से फ्री होगी अच्छे टी रास्ता मिलगले सांगे सांगे बाहर की पलैस है से देखा कौन इन मेटल्स द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर सेल्स ऑफ द एटम आर लूजली बाउंड दे मूव अबाउट फ्रीली थ्रो आउट द लैटिस ऑफ द पोजिशन पॉजिटिव आयन पॉजिटिव चारिपाखे से फ्रीली मूव करते किसी प्रेसर न था सच लुजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स है सच लुजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स से जो फ्रीली बुलूं इलेक्ट्रॉन गुड़ा कहगला कौन फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहीं फ्री अच्छा जी रास्ता देदेव से बाहर की पलैसे एमती कौन है जदि रास्ता दबा तेब जाइ बाहर की जी आपे बाहर की जीवे है माने फ्री अच्छा ठीक अच्छे फ्री अच्छा माने नहीं आप बाहर की पलैसे आम रास्ता देखा दरकार से रास्ता देखी ना एम बुलूं रास्ता देखला जाने बाहर है तो से जो रास्ता देखा से गोटे टर्म अच्छे कौन ना दे कैन नॉट लीव इट्स सरफेस एट नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल और ऑर्डिनरी टेम्परेचर है एट नॉर्मल और ऑर्डिनरी टेम्परेचर एट नॉर्मल भी तुम लिखी देव नॉर्मल और ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड मॉडरेट फील्ड जदि तुम्हें किसी अल्प अमाउंट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल थाए तुम एटमोस्फेयर फील्ड जदि किसी आसे तार पाखापाखि भी मॉडरेट फील्ड मैंने से लेवल नथिबो आउ नॉर्मल टेम्परेचर रे कौन हुए सेमती आपे बाहर की जीवेनि जीवे केमती ना तापाई सेमाने किसी एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड करती सो दे रिक्वायर्ड सम एक्स्ट्रा एनर्जी टू एस्केप दि सरफेस
ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ଅଛି ସେମିତି ଆପେ ବାହାରିକି ଯିବନି, ତାକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଏନର୍ଜି ଦରକାର। ସେଇ ଏନର୍ଜିଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଦି ମିନିମମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ରିକ୍ୱାର୍ଡ ବାଇ ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଇନ୍ ଏ ମେଟାଲ ଟୁ ଏସ୍କେପ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ମେଟାଲ ସର୍ଫେସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ। ତାହେଲେ ସେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମିନିମମ୍ ଯେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟର ଏନର୍ଜି ଦେବା ତାକୁ କୁହାଯିବ କ'ଣ, ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ। ତାହେଲେ ସପୋଜ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହେଲା, ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଧର ମୁଁ ଯେତିକି କମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଲେ ସେ ବାହାରି ଆସିବ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯିବ ତାର କ'ଣ, ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ। ଏଇଟା ତୁମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ବି ପଢ଼ିଥିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ସରେ ବି, ହେଲା, ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ ଡିପେଣ୍ଡସ ଅପନ୍ ଦି ନେଚର ଅଫ୍ ମେଟେରିଆଲ। ଅଭିୟସଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ସେ ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲ ନେଚରଟା କେମିତି ଅଛି, ସେ ତାର କେଉଁ ଭଳିଆ ମେଟେରିଆଲ ଅଛି। ତ ସପୋଜ ଯଦି ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହିବି, ଲୁହାର ଯଦି ହବ, ନିକେଲ ହବ, କ୍ରୋମିୟମ ହବ, କେଉଁ ଭଳିଆ ମେଟେରିଆଲ ଅଛି ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ସେ। ଆଉ କେମିତି ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ, ନେଚର ଅଫ୍ ଦି ସର୍ଫେସ। ତାହେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ସେନ୍ସିଟିଭ ଟୁ ସର୍ଫେସ୍ ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟିଜ। ତାହେଲେ ଏଇ ସର୍ଫେସ୍ର ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟିଜ ଗୁଡ଼ା ଥିବ, ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନୁହଁ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟିଜ ଗୁଡ଼ା, ତା ଉପରକୁ ସେ ଭେରି ସେନ୍ସିଟିଭ ଥାଏ, ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏନର୍ଜି, କାହିଁକି ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ୍ କହିଲୁ ଆମେ କ'ଣ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିନିମମ୍ ଏନର୍ଜି ରିକ୍ୱାର୍ଡ। ତାହେଲେ ମିନିମମ୍ ଏନର୍ଜି ମାନେ ଏନର୍ଜିଟା, ତାହେଲେ ଏନର୍ଜିର ୟୁନିଟ୍ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏସ୍ଆଇରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଜୁଲ୍। ତାହେଲେ ୟାର ୟୁନିଟ୍ ବି କ'ଣ ହବ, ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ୍ର ଜୁଲ୍ ହବ। ତାହେଲେ ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏନର୍ଜି ସୋ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ମେଜର୍ଡ ଇନ୍ ଜୁଲ୍ସ, ହେଲା, ଏସ୍ଆଇ। ତାହେଲେ ଇଏ ଗଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଏମିସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜୁଲ୍ଟାକୁ ଆମେ କନଭର୍ଟ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ମିନାଲ ଲେଖିବା କ'ଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଭୋଲ୍ଟ। ତାହେଲେ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଭୋଲ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଗେନ୍ଡ ବାଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସିଲେରେଟେଡ୍ ଥ୍ରୋ ଏ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ଭୋଲ୍ଟ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଗେନ୍ଡ ବାଇ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କୁହାଯାଏ କ'ଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଭୋଲ୍ଟ। ଏନର୍ଜି ଗେନ୍ଡ ବାଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଭୋଲ୍ଟ। ସେଟା କାହା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହୁଏ, ୱାର୍କ ଡନ୍ ବାଇ ଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ। ତାହେଲେ ୱାନ୍ ଇ ଭି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଭୋଲ୍ଟକୁ ସର୍ଟରେ ଲେଖାଯାଏ କ'ଣ, ଇ ଭି, ହେଲା। ୱାନ୍ ଇ ଭି ଇକ୍ୱାଲ କ'ଣ ହେଲା, ଡବ୍ଲୁ। ଡବ୍ଲୁ ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେତେ, କ୍ୟୁ ଭି, କାହିଁକି ଭି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଡବ୍ଲୁ ବାଇ କ୍ୟୁ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଡବ୍ଲୁ ଇକ୍ୱାଲ କେତେ ହେବ, ସରି, ଡବ୍ଲୁ ବାଇ କ୍ୟୁ। ତାହେଲେ ଡବ୍ଲୁ ଇକ୍ୱାଲ କେତେ ହେବ, ଭି କ୍ୟୁ, ଏଗେନ୍ କ୍ୟୁର ଭ୍ୟାଲୁଟା କ'ଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପାଇଁ 1.6 n ଇଣ୍ଟୁ, ସରି, 1.602 ଇଣ୍ଟୁ 10⁻¹⁹ ବା 1.67 ଇଣ୍ଟୁ 10⁻¹⁹ କୁଲମ୍, ହେଲା। ଆଉ ଭିଟା ହେଇଛି 1 ଭୋଲ୍ଟ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଗେନ୍ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ, 1 ଭୋଲ୍ଟ, ଭୋଲ୍ଟ ଆଉ କୁଲମ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ଜୁଲ୍। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା, 1 ଭିଟା ହେଇଗଲା 1.602 ଇଣ୍ଟୁ 10⁻¹⁹ ଜୁଲ୍, ହେଲା। ଦି ଫେନୋମେନନ୍ ଅଫ୍, ଆମ ହେଡ଼ିଂ ଥିଲା କ'ଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଏମିସନ। ସେହି ଭିତରେ ଆମେ କେତେ କେତେ ଟର୍ମ ଜାଣିଲେ, ସେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଏମିସନ ଭିତରେ ଜାଣିଲେ, ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟର୍ମ ହେଉଛି ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିପାରେ, ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ନା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଭୋଲ୍ଟ, ଏଇ କନଭର୍ସନ୍ଟା ଆସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କଲାବେଳେ। ତାପରେ କ'ଣ, ଦି ଫେନୋମେନନ୍ ଅଫ୍ ଏମିସନ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଫ୍ରମ୍ ଏ ମେଟାଲ ସର୍ଫେସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଏମିସନ୍। ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଏମିସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯଦି ଗୋଟେ ମେଟାଲ ସର୍ଫେସ୍ରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ବାହାରିକି ପଳେଇଲା, ଏମିସନ୍ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଏମିସନ୍ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଏମିସନ୍। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ଏମିସନ୍ ହୁଏ, ତା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ୱେ ଅଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ା ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ତଥାପି ଲେଖିଦେଇଛି ଟିକେ ଜାଣି, ମାନେ ନା ଗୋଟେ ଜାଣିଥାଉ କ'ଣ କ'ଣ ନା, ଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏମିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଭେରିଆସ୍ ୱେଜ୍ ଲାଇକ୍ ଥର୍ମିଓନିକ୍ ଏମିସନ୍। ଥର୍ମିଓନିକ୍ ମାନେ ହିଟ୍ ଦେଇକି, ଥର୍ମୋୱାଟ୍ଟା ଆସିଛି କେଉଁଠୁ, ହିଟ୍ରୁ, ତାହେଲେ ହିଟ୍ ଦେଇକି କରିହେବ। ଫିଲ୍ଡ ଏମିସନ୍ ମାନେ ତୁମେ ଯଦି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି, କୋଲ୍ଡ କ୍ୟାଥୋଡ୍ ଏମିସନ୍, ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏମିସନ୍, ଏଇଟା ପଢ଼ିବା ଆମେ। ଆଉ କ'ଣ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏମିସନ୍, ଏଇସବୁ ୱେରେ ତୁମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା ଗୋଟେ ମେଟାଲ ସର୍ଫେସ୍ରୁ, ହେଲା। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲୁ କ'ଣ, ତୁମର ଡୁଆଲ୍ ନେଚର କେମିତି ସୋ କରୁଛି ଲାଇଟ୍, ତାକୁ ଆହୁରି ବ୍ରିଫଲି ପଢ଼ିବା, ତାକୁ ଭଲକି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଆହୁରି ଭେରିଆସ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକି। ତାପରେ ଜାଣିଲୁ ଆମେ କ'ଣ, ତୁମର ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କେମିତି ଏମିସନ୍ ହୁଏ, ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କ'ଣ, ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଭୋଲ୍ଟ କ'ଣ, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇଫେକ୍ଟ, ହେଲା। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।